हस्तिनापुर की पावन धरा पर निर्मित कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर में विश्व की सुख शांति समृद्धि के लिए 48 दिवसीय भक्तामर विधान एवं पाठ के आज 18वें दिन सर्वप्रथम विधानाचार्य सुदीप शास्त्री ने मांगलिक मंत्रों से क्रियाओं का शुभारंभ किया। आज स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य श्री सुशील जैन यूनियन बैंक मेरठ को प्राप्त हुआ। शांति धारा करने का सौभाग्य श्री संजय जैन जयपुर नरेंद्र जैन फिरोजपुर को प्राप्त हुआ। बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी ने विश्व के सभी जीव सुखी रहें ऐसी मंगल भावना के साथ शांति धारा का उच्चारण किया। संजय कुमार जी जैन स्वास्थ्य लाभ के हेतु जयपुर राजस्थान एवं श्री संगीता साधना जी स्वास्थ्य लाभार्थम एवं उपस्थित इंद्र परिवार से इंद्राणी परिवार से श्री सौर्य जैन गौरव जैन न्यू आनंद बिहार दिल्ली एवं तुम्हारानी जैन राजकुमार जैन गाजियाबाद एवं श्रीमती बीरेंद्र कुमार जी जैन सागर सा परिवार से सुनीता जैन पत्नी प्रमोद कुमार जी जैन की शादी की सालगिरह देवलोक कॉलोनी मेरठ एवं श्री साधना जैन अशोक जैन सहारनपुर मोतीलाल जैन की स्मृति में पुत्र हुक्मी चंद विनोद जैन है गोघाटी आसाम दिशा जैन पत्नी पीयूष जैन की शादी की सालग्रह में रामनगर इंदौर एवं अक्षय जैन मीना जैन की शादी की जगदलपुर तुषार जैन चीनी जैन क्रश जैन के जन्मदिन पर दिल्ली एवं श्री सती जैन कक्का जी बुक स्टोर गंजबा सौदा बिशीदा आगम जैन निधि जैन दृष्टि जैन नई दिल्ली एवं श्री कीर्ति जैन पत्नी संजीव जैन मोना हॉस्पिटल के पीछे गंजबा सौदा विदिशा श्री सुशील कुमार जी जैन राज रानी जैन मेरठ एवं श्री नरेंद्र कुमार जी अमित सुमित विशाल नमन संयम जैन भोजपुर पंजाब आदि उपस्थित इंद परिवार से व्यादिम धनंतो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले दीप का प्रज्वलन श्रीमती राजरानी जैन मेरठ ने किया। भक्ति का प्रसार है आदिनाथ भगवान की आरती बारंबार है आनंदी अपार है भक्ति का प्रसार है श्री आदिनाथ भगवान की आरती बारंबार है आनंदी अपार है भक्ति का प्रसार है आदिनाथ भगवान की आरती बारंबार गर्भ कल्याण की आ गया देखो 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 जी आनंद छा गया गर्भ कल्याण की आ गया। तदुपरांत देव शास्त्र गुरु की पूजन आदिनाथ भगवान की पूजन के बाद सभी तीर्थंकरों के अर्घ्य चढ़ाने के बाद भक्तामर विधान का शुभारंभ हुआ जिसमें विधान कराने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के उज्जवल भविष्य के लिए 48 अर्घ्य चढ़ाए गए। गुरुपत भम सिंधु में खेब लगाओ गादिक गणपति तके कर विनती भगवान अपनो विरद निहार के जो मैं कहूं और सो तो मिले उर्जा मेरी तो सो बनी आके। आज 81 परिवारों की ओर से विधान का आयोजन कराया गया जिसमें मुख्य रूप से श्रीमती पैमेला जैन हर्ष जैन सुधीर रजनी जैन सपरिवार लंदन श्री उमेश जैन सर्राफ ममता जैन गंधर्व अनमोल नमन आयुषी अरहम जैन सपरिवार कमला नगर मेरठ श्रीमती मधु जैन सलिल जैन लवली सिद्धार्थ मेघा मोहित सानवी वामिका मानविक जैन निरंजनपुर देहरादून को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज यदि हम ज्यादा करके कर्म बंद करते हैं तो विभाव परिणति में आते हैं तो किसके माध्यम से इस कर्ण इंद्री के माध्यम से समझना माने इस कर्ण इंद्री के माध्यम से हम अनेकों प्रकार की तपस्याएं भी करने लगते हैं
जैसे कि आपकी शंका है कि प्रतिमा क्या होती है, तो प्रतिमा का सर्वप्रथम मूल उद्देश्य यदि कुछ होता है तो क्या होता है, आत्मानम प्रति इच्छा इति प्रतिमा, जहां पर 24 घंटे अपनी उस आत्म तत्व को जागृत करने की, उसके प्रति लगन एवं रुचि लगाने की बात जहां आ जाती है, मन जहां वहां लग जाता है, तो वास्तव में वो क्या कहलाती है, प्रतिमा कहलाती। खाने पीने का, शुद्ध भोजन करने का, मर्यादित भोजन करने का, ये उस आत्म तत्व में लगन लगाने के लिए एक कारण तो है, लेकिन इनसे कभी साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। ये बाहर के कारण है कि हमें शुद्ध भोजन करना, लेकिन यदि आंतरिक कारण कोई बनेगा तो वो क्या बनेगा कि हमें 5 पापों से क्या करना है, मुक्ति पाना है, 5 पापों को नहीं करना। यदि तुम उन 5 पापों में यदि तुम किसी की बुराई करते हो, किसी की निंदा करते हो, तो बताना तुम फिर अनुव्रती कहलाओगे क्या, बोलो कहलाएंगे क्या, क्योंकि अभी 5 पाप ही नहीं छूटे तो प्रतिमा कहां। फिर तो कहते हैं, और यदि तुमने किसी की बुराई कर दी तो समझ लेना अभी तुम सम्यक दर्शन के सम्मुख भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के व्यवहारिक 8 अंग में कौन सा एक उपगुघन अंग आता है, जिसमें भी आचार्य कहते हैं यदि तुम इन आंखों से भी देखो तब भी इस मुंह से मत निकालना। क्यों नहीं निकालना? क्योंकि इन आंखों का देखा हुआ और इन कानों से सुना हुआ भी क्या हो जाता है, गलत हो सकता है। सामने वाले की क्या अपेक्षा है, कैसे, जैसे आचार्य श्री बहुत ये उदाहरण सुनाते हैं, एक माँ असाता कर्म के उदय से भरे पूरे परिवार में थी, लेकिन अचानक ही उसके पति का देहावसान हो गया। उस कलक उपसर्ग के कारण उसे हार्ड संबंधी बीमारी हो गई, अटैक का दौरा आ गया। अब उसका एक ही बेटा था। एक दिन माँ को जरा घबराहट हुई ना, तो डॉक्टर के पास बेटा लेके गया, और जैसे ही गया तो डॉक्टर ने कहा, देखो बच्चों, तुम्हारे पिताजी का तो हाथ चला गया तुम्हारे ऊपर से, अब रही यदि कोई तो माँ है, और यदि इसे भी तुम अच्छा खुश रखना रखो इसे तो ये बनी रहेगी, इन्हें थोड़ा घुमाया फिराया करो, बाग बगीचे में लेकर के जाया करो, सुबह मॉर्निंग वॉक कराया करो, इन्हें बहुत खुश रखा करो, तो इनका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। बच्चे ने कहा ठीक है, और एक दिन वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर ले जा रहा था, रास्ते में माँ को थोड़ी घबराहट होने लगी, तो बगीचे में पहुंचते ही उसने पालथी लगाई और माँ को लेटा लिया, और क्या किया, सिर को गोदी में रख लिया। सिर को गोदी में रखते ही और वो माँ को सहला रखा था, और सहलाते सहलाते आप कोई भी हो, चाहे बूढ़ा हो या बच्चा हो, गोदी में सिर आते ही आपके हाथ शांत नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे जरूरी ही। तो वो सहलाते सहलाते और बार बार झुक करके माँ के मुँह से पूछ रहा था, माँ अब अच्छा लग रहा ना आपको, अब तो घबराहट नहीं। एक घटना, एक नदी के किनारे बैठे हुए साधु देख रहे थे, और साधु देखते देखते उनके मन के भाव बदल गए इन आंखों से देखने पर, कैसा बदतमीज है, इसी घर नहीं के, देखो तो यहाँ क्या कर रखा है, ऐसे बार बार ये बात उनके अंदर गलत आ रही थी।
इतने में अचानक क्या होता है, वहां नदी के किनारे 8-10 बच्चे खेल रहे थे और शरारत में एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे को धक्का दिया, वो नदी में गिर गया। उसे तैरना आता नहीं, सारे बच्चे वो डूब रहा। इस बच्चे के कान में बात पड़ी, माँ का सिर नीचे रखा, दौड़ लगाई, नदी में कूद गया। उस बच्चे को निकाल करके लाया और निकाल करके उससे पूछ रहा था, अब तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है ना, अंदर पानी आनी तो नहीं है। और इतना कहते ही उस बालक की दृष्टि साधु के ऊपर पड़ी। जैसे ही साधु पर दृष्टि पड़ी, वो बालक एक बड़ा चीख करके बोला, अरे माँ जल्दी आओ, आज तो तुम्हें महात्मा जी भी के दर्शन मिल रखे हैं। जैसे ही बालक के मुंह से माँ शब्द सुना, साधु का अंदर उद्वेलित हो गया, हाय मैं तो आधा घंटे से क्या क्या सोच रहा था। भक्तामर पाठ का शुभारंभ अनीता जैन गंजबासौदा, सुनीता जैन शिवनी ने संस्कृत भाषा में किया। इसी बीच सुदूर प्रदेशों से पधारे हुए यात्रीगण एवं श्रीमती कीमती बाई जैन तालबेहट, सुलेखा जैन रानीपुर, श्री अरुण कुमार जैन गर्ग डुप्लेक्स मुजफ्फरनगर, श्री राम भूल जैन, संजीव विजय, नितिन सार्थक, शाश्वत सक्षम, चारू कोमल, प्रगति खुशी, कविशी जैन सरधना, श्री चमन प्रकाश जैन, मालती रानी, आदिश्वर प्रकाश पल्लवी, प्रियदर्शिनी निरानी जैन, वसुंधरा गाजियाबाद, श्री दिनेश जैन, रजनी खुशबू, सपना रक्षा, काजोल जैन लंदन ने पाठ का वाचन किया। आज विधान के मध्य संगीत की मधुर लहरी पर अंजना जैन, प्राची जैन ललितपुर ने भजन प्रस्तुत किए, जिसको सुनकर सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। प्रथम बले मध्य पुनर्गम निर्वामी दे ओम नीम सट दर्शन परंग दाय के लिए मामी जाट चसाई दार देश दाय श्री विशव देव जिनेंद्र अर्गम निर्वामी दे क्ली मामी जाट चर चैताई देश दाय ब्रसव नाज जिनेंदाई एरे गम पुनर्गम मगारे गम निभामिति ओम भीमरम नमो कोट बुद्धि नमर्ग निभामिति ओम भीमरम नमो विज्ञान नमर्ग निभामिति ओम भीमरम नमो आकाश गामी नमर्ग निभामिति ओम भीमरम नमो तत्व तमाण नमर्ग निभामिति स्वाहा। अग्नि क्लीम श्री मनो श्री जनति दंगरा नमः। आज के विधान का विसर्जन नीरज जैन झांसी ने किया। अग्नि क्लीम श्री मनो श्री जनति दंगरा नमः स्वाहा। अग्नि क्लीम श्री मनो श्री जनति दंगरा नमः। विधान में बैठे बहुत अच्छा विधान लगा, 48 दिन के विधान चल रहे यहाँ पर, आप सभी लोग आए, सभी को बहुत अच्छा लगेगा। जीत क्षेत्र कमेटी हस्तनापुर के तत्वाधान में कैलाश पर्वत रचना कमेटी, कैलाश पर्वत के ऊपर जो है विगत 16 साल से जो है यहाँ भक्तमर पाठ हुआ है और इस बार 17वीं दफा जो है वो पाठ हो रहा है। मैं इसके लिए जो है यहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने बहुत प्रयास किया और यहाँ जितने भी पाठ करने वाले हैं उनको कुछ ना कुछ की प्राप्ति होती है। ऐसा जो है भगवान सागर जी ने प्रवचन में कहा था कि भक्तांबर का पाठ करने से जो है सब जो है मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी प्रकार 45वां कड़ा जो है जितने भी रोग निवारण हैं वो सब रोग निवारण इसके भक्तांबर के पाठ करने से हो जाते हैं। आप 1, 5, 11, 21 और 48 पाठ जो है आप करवा सकते हैं, फिर भी जैसे जिसकी भावना है, और देखिए चमत्कार फिर इस क्षेत्र का और इस मूर्ति का, जहाँ बैठ कर के आप सुनीता दीदी के सानिध्य में जो है ये पाठ चल रहा है। और मैं पारस चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ कि इनके माध्यम से देश विदेश के अंदर जो है
वो ये हमारा पाठ जो है यहाँ दिखाया जा रहा है। पंच परमेष्ठी की आरती का दीप प्रज्वलन श्रीमती अनीता जैन, सुनीता जैन, गंज बासौदा ने किया। धोते धोते हो वीर तेरी वाणी सुख तेरा ही आदिनाथ भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन श्रीमती संतोष जैन ललितपुर ने किया। जगी मगी आरती कीजे आदि स्वरी भगवान की जगे मगी आरती कीजे आदि स्वरी भगवान की। प्रथम देवी अभी तारी प्यारे तीर्थंकर गुणे वान की जगमगे आरती। चौबीसों भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी द्वारा किया गया। रहूं आरती आर जिनेश्वरी तुमरे द्वारे रहूं आरती आर जिनेश्वरी तुमरे द्वारे हो तुमरे द्वारे स्वामी तुमरे द्वारे तुमरे द्वारे स्वामी तुमरे द्वारे चौबीसो भगवान। प्रश्न मंच के पश्चात उपस्थित विजेताओं को श्री विपिन जैन नावले वाले दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की ओर से पुरस्कार प्रदत्त किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के अध्यक्ष जीवेंद्र जैन गाजियाबाद, महामंत्री मुकेश जैन सर्राफ मेरठ, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जैन गैस वाले मवाना, सह संयोजक मोतीलाल जैन लंदन, शशांक जैन साकेत मेरठ, जितेंद्र जैन आलू वाले मेरठ, विजय जैन बैंक वाले मेरठ, विप्लू जैन भारत नगर दिल्ली का विशेष सहयोग रहा। कल के प्रश्न का उत्तर है सी अयोध्या जी। विजेता प्रेमलता जैन जयपुर, राकेश जैन गुरुग्राम, आशा गादिया जलगांव। सांत्वना पुरस्कार विभा जैन बड़ौत, सविता रारा जयपुर, मीना बड़जाते नादेड़। आज का प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य को कौन से आचार्य ने मुनि दीक्षा प्रदान की? ए शांति सागर जी, बी चारु कीर्ति जी, सी भद्र बाहू जी या डी बाहुबली जी।